अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी पटना जर्दा। पटना जर्दा जो कि बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार होता है, तो हम आपको आज पटना जर्दा बनाने का तरीका बताते हैं। हमने एक पाव बासमती चावल लिया और इसको एक घंटा पहले भिगो दिया। अब ये चावल भीग चुका है, अब इसके लिए हमें ये पानी चाहिए। पानी हमने लिया ये बॉईल करने के लिए चावल। अब पटना जर्दा के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये घी है 4 से 5 टेबल स्पून, ये कलर है जर्दे का रंग, और ये पिस्ता बादाम है 15 अदद, ये किशमिश है 15 से 20 अदद, ये बादाम है 15 से 20 अदद, ये खोपरा है और ये खोया है और ये मिठाई। अब ये चीनी है 1 पाव, ये दूध 1 पाव। अब भगाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 4 अदद लौंग है और 3 अदद सफ़ेद इलायची, और ये हमने खुशबू के लिए हमने लेमन रखा है। तो चले आए हम इसको बनाते हैं। चले अब हम इसे पानी को इसके लिए उबालते हैं। मैंने देखिए में 1 जग पानी डाला। अब इसे हम बॉईल का इंतज़ार करते हैं। जब ये पानी उबल जाएगा, अब इसमें हमने कलर डाल दिया जर्दा का कलर 1 टेबल स्पून। अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी उबल चुका है, हमने इस चावल को इसमें डाल देना। अब हम इसको थोड़ी देर उबालेंगे। जब ये थोड़ा एक कन्नी ये रह जाएगा, तो हमने इसको छान लेना है तमाम चावल को छन्ने में डालकर। इसको हमने फ्राई करने के लिए ढक दिया। अब हम देखते हैं चावल जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई। इसको देखने का तरीका ये है कि हमने इसको छू कर देखा, हाँ ये तैयार है, तो हम इसे छन्ने में छान लेते हैं। हम इसको छन्ने में छान लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसको घी में डालकर अगा लगानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें घी डाला, 5 से 6 टेबल स्पून डाला। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते। अब हमने इसके अंदर लौंग डाल दिया 4 अदद और 3 अदद सब्ज इलायची। अब इसको हम थोड़ा करकराएंगे। इसके अंदर हमने 1 पाव करीब दूध डाल दिया। और ये 1 पाव चीनी, इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसका हम थोड़ा किमाम टाइप का बनाएंगे। जब ये किमाम थोड़ा हो जाए गाढ़ा, तो हमने इसमें इन तमाम जो चावलों को मैंने बॉईल किया है, इसको हम इसमें डाल देंगे।
अब ये दूध और चीनी का किमाम बन चुका है। अब हमने इसके अंदर इसको डाल देना है। ये देखें, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहती हैं तो थोड़ा शुगर और ऐड कर लें, अगर नहीं तो ये इतना काफ़ी है, एक पाव। हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे और ये तमाम चीजें इसमें हमने डाल दिया। ऊपर से हम गार्निशिंग भी करेंगे। ये हमने नींबू डाल दिया, इसकी खुशबू भी है। ज़रदा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हमने एसेंस डाल देना है, केवड़ा एसेंस, ताकि इसमें अच्छी खुशबू आ जाए। चलिए अब हम इसे डिश में निकालते हैं और फिर इसको मिठाई और खोया से सजाते हैं। ये पटना जर्दा तैयार हो चुका। अब आप खा कर बताएंगी कि ये मेरा पटना जर्दा आपको कैसा लगा। मेरी अम्मी जान बहुत ही मज़े का बनाती थी, मैंने भी उन्हीं की रेसिपी से ये बनाया है। तो आप खा कर बताएं कि मेरा पटना जर्दा कैसा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।